नारायण भगवान की जय, राम देवता की जय। तो आज हम सभी इस समय एक विशेष दृश्य को लेकर के यहाँ बैठे हैं। रोम रोम पुलकित आनंदित हो रहा है और आज के इस विशेष संदेश कार्यक्रम में हम इन संदेशों को सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, ऐसी शक्ति और इसी प्रेरणा परमपिता परमात्मा ने दी। परमपिता परमात्मा की सूक्ष्म उपस्थिति और उनके ही संरक्षण में हम सभी कभी 5-10 रुपए मिल जाता है जड़ी बूटी की दुकान में, कहीं से मंगवा करके घर में हमेशा रहना चाहिए, इसको खरीदवा लेना। वहां से तुम कोई जाता आता हो या सरायपाली से बड़े शहरों में बस्ता में मिल जाता है, खूब कला के बीच पतंजलि की दुकान में 30-40 रुपए में मिल जाता है। इसको रखो और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम और मुनक्का जानते हो, किसमें जानते हो, किसमें से थोड़ा सा बड़ा मुनक्का होता है, 3 अंजीर, इन सबको एक खलबत्ता में लेकर कूटना। क्या करोगे उसको, कूटेंगे। अब कूटने पर क्या बन जाएगा, वो चटनी बन जाएगा, चटनी जैसा है ना। अब उसको चबा चबा करके खाएगा, बन जाएगा। खाली पेट खाना है, लिख लो, खाली पेट खाना है। स्वस्थ रहने के सभी सूत्रों को अच्छे से समझेंगे और जीवन में अपनाएंगे। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी नशा जर्दा गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब अफीम गांजा का सेवन नहीं करेंगे। बोले भारत माता की जय। महात्मा जी कर लिए, आई तूने काहे को गुटखा बनाई। कितना खतरनाक है, कितना विभत्स दृश्य है। इस गुटखे से कितने लोगों की जिंदगी चली गई है ना। और जो बीड़ी का दिखाया था इसको सुनेंगे, तब तक इसको बोल रहे हैं, जय बीड़ी महारानी, जय सिगरेट पटरानी, भक्त जनों पर संकट लादी, कैंसर की नानी, जय बीड़ी महारानी। जो पीवे दुख पावे, रोगी होवे मन का, रोगी होवे मन का, सुख संपत्ति सब नाश, और कष्ट बढ़े तन का, जय बीड़ी महारानी। अगला, गुड़ाखू का मजाक, कैंसर की सजा, ये दिनेश कुमार फुटबॉल चैंपियन गुटखा खाते खाते बन गए गुड़ाखू चैंपियन। देख रहे हो, गुड़ाखू जानते हैं आप सब लोग, आप तो नहीं खींचते लेकिन बता क्यों रहे हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता को समझा सकें, अपने भाइयों को समझा सकें, अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को समझा सकें। नशे से बचना है, खून का दौरा कम हो जाता है, आंतों में से पाचक रसों का आवागमन कम हो जाता है, बहुत खतरनाक, ये गुड़ाखू से बचें, है ना। अगला क्वेश्चन देखें,
ये नशा बहुत खतरनाक है, इससे बचने की आवश्यकता है। अगला, पी गई पीने वालों को, बोलिए पी गई पीने वालों को। हम बोलेंगे दारू अंदर, तो आप लोग बोलोगे अकल बाहर, ऐसा ऐसा एक्शन करके बताओगे अकल बाहर। दारू अंदर तो दारू अंदर तो अकल बाहर। देखिए कैसे अकल बाहर हो जाता है। एक शराबी शराब पी करके आया घर की तरफ से, और लड़खड़ा करके गिर गया नाली में, और नाली में गिर गया तो भैंस भी वही थी, और भैंस की पूछ पकड़ में आ गई, और क्या बोलती है, ए रामू की मम्मी तुम रोजाना दो दो चोटी बांधा करती थी अपने बालों में, आज भी वही चोटी बांधी है, ए रामू की मम्मी। वो भैंस को घरवाली कह रहा है, घरवाली दारू अंदर तो दारू अंदर तो तलवार। तो आप भी सभी चाहते हैं आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा शराब पीकर के सड़क पे पड़ा है? सावधान होशियार समझदार सबको समझा। ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का जीवन पाया है लेकिन सेवा का कोई काम नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ, जैसे कहते हैं ना, नींद ना हो तो बिस्तर व्यर्थ है, नींद ना हो तो बिस्तर व्यर्थ है, और परहेज ना हो तो औषधि व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, और जीवन में भी सेवा का कार्य ना हो तो पूरा जीवन भी व्यर्थ है। इसलिए सेवा का कोई ना कोई काम करना चाहिए, और जो व्यक्ति सेवा का काम करता है उसका व्यक्तित्व तो निखार आ जाता है, उसकी आंखों में तेज आ जाता है, उसका सम्मान होता है, दैवीय अनुकंपा मिलती है, लोग सम्मान मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसलिए सेवा का काम, सेवा का कौन कौन सा